हे गाइस, वेलकम बैक टू वोलाटेक्स अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 15,000 तक के रेंज में अगर आप एक 5G फोन ढूंढ रहे हैं बजट में, तो आपको टोटल 3 फोन देखने को मिलते हैं। पहला है सैमसंग गैलेक्सी F14 5G, दूसरा है पोको M4 5G एंड लास्ट वीवो T2X 5G। नाउ सैमसंग गैलेक्सी F14 5G आपको इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें मिलती है आपको एक्सिनोस प्रोसेसर, और जिसका रिव्यू बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं अभी सैमसंग का ही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ जिसमें एक्सिनोस प्रोसेसर है, और फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है। अगर इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलती तो बात कुछ और था। तो इस रीज़न की वजह से आपको ये फ़ोन अवॉइड करना चाहिए। ना पोको M4 5G आपको इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मैं MI और पोको का बहुत सालों से यूज़र रहा हूँ। मैंने इस कंपनी का बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ किया हुआ है, और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब आप इनका फ़ोन ख़रीदते हो तो एक या दो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इनका फ़ोन जो है स्लो हो जाता है, कैमरा की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। दूसरा रीज़न ये है कि आपको इसमें मिलती है डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर, जिसका अंततः स्कोर है ओनली 294,507। एक बजट फ़ोन या 15,000 तक के रेंज में देखें तो ये जो स्कोर है बहुत ज़्यादा लो है। जैसे ही आप 2-3 ऐप वगैरह चलाएंगे या जैसे ही आपका 1 month यूज़ हो जाएगा तो आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएंगे, फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग करेगा। तो इन्हीं सब रीज़न की वजह से मैंने परचेस किया वीवो T2X 5G ओनली 12,349 रुपीज़। वैसे इसकी कीमत जनरली 14,000 रुपीज़ रहती है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो आप इसे 12,000 रुपये में खरीद सकते हैं। नाउ अगर इन बॉक्स एसेसरीज की बात करें तो फ़ोन के साथ साथ आपको मिलती है एक 18 वाट का फास्ट चार्जर विथ डाटा केबल, एक प्लास्टिक का बैक कवर मिलता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, एक मिलती है आपको सिम इजेक्टर टूट और कुछ जमीन के पेपर्स, तो इनको फिलहाल साइड रख देते हैं। नाउ इन हैंड फील की अगर बात करें तो इसका जो डिज़ाइन है वो आईफोन के जैसा बॉक्स डिज़ाइन है। बैक पैनल जो है काफ़ी स्मूथ है, लेकिन थोड़ी सी एक टेक्सचर बनी हुई है जिस वजह से यह फिंगरप्रिंट कैच नहीं करता है, जो कि बहुत अच्छा बात है, अदरवाइज आपको ये बार बार क्लीन करते रहना पड़ता। डिज़ाइन एंड प्लेसमेंट की अगर बात करें तो टॉप में देखें तो आपको मिलता है सिम स्लॉट, उसके बगल में आपको माइक्रोफोन मिल जाते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। राइट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम बटन है जिसमें फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, और उसके ऊपर में वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन। बॉटम की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है चार्जिंग पोर्ट, उसके बगल में आपको मिलती है 3.5mm जैक, एक नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन और एक स्पीकर ग्रिल। स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको मिलती है इसमें 6.58 इंच का एक लार्ज डिस्प्ले, 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, तो काफ़ी लंबा चलने वाला आपका ये फ़ोन। और आपको इसमें प्रोसेसर मिलती है Dimensity 6020, जिसका अंततः स्कोर अगर आप चेक करें तो वो है 4,99,474। दैट मीन्स कि ये फ़ोन जो है अगर इसी रेंज में दूसरे फ़ोन की अगर बात करें तो ये आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, आपकी हर चीज़ को ये हैंडल कर लेगा आसानी से। 4GB रैम और 128GB का इंटरनल मिल जाता है। वैसे आपको इसमें 3 वेरिएंट मिलते हैं, एक 4GB रैम, एक 6GB रैम एंड एक 8GB रैम, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने की ज़रूरत है, आप उस हिसाब से अपना फ़ोन परचेस कर सकते हैं। जैसे जैसे रैम बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका प्राइस बढ़ते जाएगा। बैक में आपको दो कैमरास देखने को मिलते हैं, पहला आपका एक प्राइमरी लेंस जो कि 50MP F1.8 अपर्चर, दूसरा आपका डेप्थ कैमरा 2MP F2.4 अपर्चर, बगल में आपको फ्लैश दिया हुआ है। वहीं पर अगर फ्रंट में बात करें तो आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड हियर आर द कैमरा सैंपल्स जो मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं ताकि आप देख सकें कैमरा की क्वालिटी आपकी क्या रहने वाली है इस फोन से। कंपेयर करने के लिए मैं साथ ही साथ बगल में S21 फैन एडिशन से भी ली हुई फोटो डाल दूंगा ताकि आपको कंपेयर करने में आसान हो जाए। I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school. I thought I was a fool. Oh, when I was falling for you, you keep drawing me. Sunday feels so bittersweet, knowing I can leave. It tastes like candy. ना 5G बैंड्स की अगर बात करें तो आपको इसमें मिलती है N1, N3, N8, N28A, N77 एंड N78। इसमें जो इम्पोर्टेंट 5G बैंड्स हैं वो है N28,
N77 एंड N78। ये तीनों 5G बैंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपको कवरेज मिलने वाला है। और आप याद रखिएगा, जब भी कोई आप 5G फ़ोन खरीदें तो ये तीन बैंड जरूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि आप 5G फ़ोन खरीद लें और ये बैंड ना हो तो आपको 5G नेटवर्क आने में बहुत प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क आपका अप डाउन करेगा। तो अभी 5G टेस्ट करने के लिए मैं छत पर आया हूँ ताकि नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। नेटवर्क जो है फुल पकड़ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपेयर करने के लिए मेरा जो सैमसंग का फ़ोन है वो भी 5G है, तो मैं एक बार पहले उसमें टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कितना स्पीड आ रहा है, फिर मैं आपको इसमें टेस्ट करके दिखाऊंगा कि आपको इसमें कितना स्पीड मिलने वाला है। ना पहले टेस्ट करते हैं सैमसंग पर कि इसमें हमें कितनी स्पीड मिलने वाली है। दो टेस्ट करूंगा इसमें, एक गूगल पे करूंगा और एक ओखला पे करूंगा। तो पहले गूगल पे चेक करते हैं, देखते हैं उसमें कितना स्पीड मिलने वाला है। तो हमें जो डाउनलोडिंग स्पीड मिली है वो है 336 MBPS। अब चेक करते हैं ओखला में, क्या हमें ओखला में कितना स्पीड मिलता है। तो हमें ओखला में जो स्पीड मिली है वो है 452। बैटरी जो 5% पे है इसलिए ब्राइटनेस थोड़ी लो हो गई थी, तो हमें ओखला में बहुत ज़्यादा मिला है। अब चेक करते हैं वीवो में कि हमें उसमें कितना मिलने वाला है। पहले मैं गूगल में स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ। तो हमें भी लगभग सेम उतना ही मिला है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और अब चेक करते हैं कि ओखला में हमें कितनी मिलती है। तो मैंने आपको इसमें 5G स्पीड टेस्ट करके दिखाया। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे 5G स्पीड उतनी ज़्यादा मिलती नहीं है, जनरली 200 से 300 के आसपास रहता है। लेकिन मैंने इसे एक बार सिटी में टेस्ट किया था, तब मुझे इसमें स्पीड 1 GBPS के आसपास मिली थी। तो इसमें स्पीड आपको अच्छी मिलने वाली है, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो वो पावर बटन में ही आपका दिया हुआ है, और जितने बार भी मैंने इसे ओपन किया ये बहुत ही फास्ट ओपन होता है। मुझे अभी तक एक बार भी लैग देखने को नहीं मिला है फिंगरप्रिंट में, ये काफ़ी अच्छा है। दूसरा, कॉल क्वालिटी की अगर बात करें तो मैंने इसे काफ़ी सारे कॉल्स किए हुए हैं और नेटवर्क क्वालिटी जो है बहुत अच्छी रहती है। लेकिन क्या इसमें सभी चीज़ें अच्छी है, क्या ये एक परफेक्ट फ़ोन है? नहीं, परफेक्ट आज के डेट में कुछ भी नहीं होता। तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ खामियां मिलेंगी, जैसे सबसे पहला तो स्पीकर का साउंड जो है थोड़ा ज़्यादा और हो सकता था मुझे, एज़ कम्पेयर टू दूसरे फ़ोन के मुकाबले स्पीकर का वॉल्यूम जो है थोड़ा सा कम लगता है। सपोज आप थोड़े से भीड़ भाड़ इलाके में हैं या किसी मार्केट में हैं, तो अगर आपका फ़ोन बजेगा तो हो सकता है कि आप अपने फ़ोन को मिस कर जाएं अगर वो वाइब्रेशन में नहीं है तो। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी इसमें, यह है कैमरे का प्लेसमेंट। अगर इसमें पंच होल कैमरा कर दिया हुआ रहता तो ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता। तीसरी चीज़ जो मुझे इसमें नहीं अच्छी लगी वो है कैमरा बम। तो अगर आप इसमें बैक कवर नहीं लगाने वाले हैं, अगर फ़ोन को आप ऐसे यूज़ करेंगे तो आपका कैमरा में बहुत ज़्यादा स्क्रैच आने वाला है। तो इस वजह से आपको इसमें बैक कवर लगाना ही होगा, बिना बैक कवर का आप यूज़ नहीं कर पाइएगा। फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात करें कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा 12,000 तक के रेंज में, वैसे तो बजट 15,000 का था, लेकिन 12-13,000 के अगर रेंज में देखें मुझे नहीं लगता अभी फ़िलहाल इससे बेहतर फ़ोन आपको मिल सकता है। तो अगर आप चाहें तो ये फ़ोन ले सकते हैं। एंड अगेन, वीवो की तरफ से ये जो है स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप चाहें तो ये फ़ोन ले सकते हैं, अपने घर में किसी को दिला सकते हैं। ये फ़ोन मैंने अपने पापा को दिलाया था, उनको ज़रूरत था। आई होप ये रिव्यू आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।